हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक फिजिक्स। बिहार पॉलिटेक्निक फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक साइंस से संबंधित, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से संबंधित, मैं आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप पर आसानी से मिलता रहेगा, और आप उसको देखते रहते हैं, देखते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि बल कैसे कहेंगे। जैसे आप मान जाइए, तो यहाँ पर पहले आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और उसका पहचान बताएंगे। पहले आपको एफ जो होता है, एफ बराबर होता है एम ए। एफ के मतलब क्या होता है? एफ के मतलब होता है फोर्स, बल। एम के मतलब क्या होता है? एम के मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान। और ए के मतलब क्या होता है? वस्तु में उत्पन्न त्वरण। ठीक, एफ बराबर क्या हो गया? फोर्स। एम बराबर क्या हो गया? मास। ए बराबर क्या हो गया? एक्सीलरेशन। तो किसी वस्तु के मास और उसके त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु के मास और उसके उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी एफ बराबर क्या हो गया? एम ए। तो यह हो गया आपका सरल रेखा के लिए। किस रेखा के लिए? सरल रेखा के लिए, सरल रेखा पर ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला, फिर एफ बराबर होता है एम जी। एफ बराबर क्या होता है? एम जी। सेम वही काम है। तो यहाँ पे भी एफ का मतलब फोर्स ही होता है। एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। एम का मतलब होता है वही वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान होता है। और जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहाँ पर जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह फोर्स कब काम करेगा? यह फोर्स जो है सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं काम करेगा, यह कब क्या करेगा? यह फोर्स जो है आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण या आपको गुरुत्वाकर्षण में काम करेगा। कौन? एफ बराबर एम जी। मतलब वस्तु कोई ऊपर से चाहे नीचे आ रही हो, उसमें ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, उस कंडीशन में हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर एम जी का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ठीक, और यहाँ पर है कि एफ बराबर एम जी। तो एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, थर्ड फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। भार W बराबर, ठीक है, W बराबर F बराबर एम जी। ठीक है, W बराबर F बराबर एम जी। मतलब W का मतलब क्या होता है? भार होता है, और भार का एक प्रकार का क्या है? बल है। और एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक, और जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? कि भार का मात्रक जो है, भार एक प्रकार का क्या है? बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु को के अपने केंद्र की ओर लगाती है। ठीक है, तो भार भी क्या है? एक प्रकार का बल है। इसलिए भार जो होता है एफ के बराबर होता है, और एफ बराबर क्या होता है? एम जी। यानी डब्ल्यू भार कहेगा तभी आपको लगाएंगे एम जी, और बल कहेगा तभी आपको क्या लगाएंगे? बल जी। क्योंकि
डब्लू यानी कि वेट और फोर्स दोनों एक ही प्रकार क्या है, एक ही बल है। ठीक, क्या है? बल है, ऑप्शन नंबर 4। चंद्रमा पर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वह पृथ्वी पर के भार का 1/6 होता है। ठीक, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकालना है तो पृथ्वी पर के वस्तु का भार निकाल के उसका 1/6 गुना यानी होता है, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकाला है तो पृथ्वी के भार का 1/6 हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर पृथ्वी पर के भार का 1/6। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब मेन क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर देखिए दो वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ठीक, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर क्या है, है एक ए वस्तु है और एक क्या है, बी वस्तु है, और एक दूसरे से कहाँ, आर दूरी पर क्या है, ए से थे, और इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है एफ। क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है, यह इस पर फोर्स लगा रहा है, यह इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक, और इन दोनों वस्तु का मास कुछ है, इसका मान लिए एम वन है और इस का मास क्या है, मान लिया क्या है, एम टू है। ठीक, कि दो वस्तु हैं ए और बी, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, ए बी पर लगा रहा है और बी ए पर लगा रहा है फोर्स, ए का मास एम वन है और बी का मान एम टू है, तो उस कंडीशन में आपको कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर, तो फॉर्मूला आता है जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, जहाँ जी के मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है यह? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है। और एम वन क्या है, एम वन पहले वस्तु का द्रव्यमान, पहले वस्तु का द्रव्यमान है। एम टू क्या है, एम टू दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, एम टू क्या है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है। और आर क्या है, वस्तु के बीच की दूरी, वस्तुओं के बीच की क्या है, बीच की क्या है, दूरी है। ठीक, यह हो गया कंडीशन आपका। तो अगर आपको दो वस्तु दे दिया कि एक दूसरे से इतना मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताएं, तो फार्मूला हो जाएगा जी एफ बराबर जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का भी मास आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आपका 6th क्वेश्चन। यहाँ पर दे दिया आपका एफ बराबर जी एम वन एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, कंडीशन 1। और हम ये भी जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ठीक, एफ बराबर होता है जी एम वन बटा एम टू बटा आर स्क्वायर,
और ये भी मिलते हैं m बराबर क्या होता है mg। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम जी। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हमको निकालना है यहाँ पे क्या जी, तो जी बराबर हो जाएगा जी एम वन एम टू बटा क्या हो जाएगा एम वन एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको भी हम एम वन मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा जी बराबर एफ जी छोटा जी बराबर जी एम टू बटा आर स्क्वायर। ठीक, ये कंडीशन हो गया। अगर हम इस एम वन को मान लिए पृथ्वी का द्रव्यमान और इस एम टू का मान लिए चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है ठीक है, यहाँ पर हम एम वन भी मान सकते हैं, एम वन किसी वस्तु का द्रव्यमान, या यहाँ पर एम वन है ना तो इसको ख्याल हम छोटा एम और बड़ा एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटा एम और बड़ा एम भी लिख सकते हैं जिसमें दो वस्तु का द्रव्यमान होगा, छोटा एम बड़ा एम भी, एम वन एम टू जब छोटा एम बड़ा एम, इसलिए यहाँ पर इसको काटने के लिए मैंने क्या किया एम वन लिख दिया, काटने के लिए क्या कर लिया एम वन लिख दिया, यहाँ पर गया एम वन एम टू, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया बड़ा एम। अगर एम वन को छोटा एम और एम टू को बड़ा एम मानते हैं तो यहाँ पर छोटा एम मानेंगे तो इसलिए हो जाएगा एम, तो यहाँ पर आएगा जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यह आपका क्या है रिलेशन है, क्या है रिलेशन है, यह क्या हो गया है कि रिलेशन हो गया किसमें, छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या हो गया, यह रिलेशन हो गया। तो यह हमारा हो गया आज का फार्मूला, और इस फार्मूले के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जो आपको बहुत ही क्या होगा हेल्पफुल होगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो।